नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब दो और तीन क्रॉप के सीड को आपस में मिला देंगे और एक साथ बो देंगे, ठीक है, एक साथ लगा देंगे तो मिक्स वैरायटी निकलेगा, ठीक है। जैसे कि वीट और ग्राम, चना हो गया और वीट हो गया, गेहूं हो गया, दोनों का सीड को मिला देंगे और एक साथ खेत में अप्लाई कर देंगे। उसके तरह दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वीट और मस्टर्ड, सरसों का बीज हो गया और गेहूं हो गया, ये दोनों को मिला के एक साथ बो दिए। ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर, ग्राउंड नट और सनफ्लावर के सीड को मिक्स किए और फिर उसको खेतों में डाल दिए, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, जहां पे टू या दो से अधिक कभी कभी आपस में मिला दी जाती है सीड को और उसको एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे सीड को डाल दिया जाता है। इसके कारण जो क्रॉप जो पैटर्न, इस टेक्निक को कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, दिस रिड्यूस द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई एक क्रॉप फेल करता है तो दूसरा क्रॉप इसमें बच जाता है, तो ये जो हमारे जो खेती है उसमें काफी अच्छा, एक कम से कम एक क्रॉप तो बच जाए इसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस रहता है कि कम से कम एक क्रॉप तो बचेगा। और दूसरा बात ये हो जाता है कि जो रिस्क है ये काफी इसको लो करता है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग से मिलता जुलता है लेकिन इसमें सीड को मिलाते नहीं है, ठीक है। टू और मोर रोज बना देते हैं और एक पार्टिकुलर रो में एक ही क्रॉप को लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर से। आप समझो इस बार आप देखो, अब एक ये पार्टिकुलर चीज लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी चीज लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए दूसरी चीज है, यहाँ पे दूसरी सेम चीज है, इसका रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, फिर अल्टरनेट वेज में यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरा टाइप का प्लांट लगा हुआ है पूरा, यहाँ पे फिर दूसरे टाइप का प्लांट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरे टाइप का लगा हुआ है, फिर इसका रिपीटेशन हो रहा है। इस तरह से मिला मिला के लगाते हैं लेकिन एक पार्टिकुलर, इसमें सीड को मिक्सिंग नहीं करते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में बना बना के कर देते हैं। इसके कारण हार्वेस्टिंग करने में काफी इजी हो जाती है। तो इस इंटरक्रॉपिंग का डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इंटरक्रॉपिंग इज ए ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डिफरेंट पैटर्न, इसमें डिफरेंट पैटर्न होगा, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं होगा, सीड को मिला के डायरेक्ट डाल देंगे। इसमें डिफरेंट पैटर्न में इसमें क्यारी बना के, इसमें पैटर्न बना के इसमें क्रॉप को लगाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सा इसमें लगता है इंटरक्रॉपिंग में, तो सोयाबीन और मेज को मिला के लगाते हैं, फिंगर मिलेट बाजरा जिसको कहते हैं, और काउपी को मिला के इसमें हम लोग लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए थे, वही मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंटरक्रॉपिंग के बेनिफिट जान लेते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का बेनिफिट ये हो जाता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में रहते हैं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे करता है कि मान लेते हैं कोई एक प्लांट है जिसको पोटेशियम ज्यादा चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी मिनरल चाहिए उसको कम चाहिए, लेकिन उसको पोटेशियम बहुत अच्छे से मात्रा में चाहिए, तो वो क्रॉप पोटेशियम ले लेगा। और लेकिन उसके साथ हम मिक्स क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग में हम लोग ऐसे प्लांट को लगाएंगे जिसको पोटेशियम कम चाहिए, ठीक है, तो वो पोटेशियम कम लेगा, जिसके कारण हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। एक ही टाइम पे दो ऐसे ऐसे क्रॉप निकाल सकते हैं जो अलग अलग फील्ड में होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग एक ही फील्ड में इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग सप्लाई करेंगे, तो मान लेते हैं कि हमने ऐसा है उसमें फर्टिलाइजर डाला कि उसमें कोई एक पार्टिकुलर मिनरल है वो प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर देंगे तो कोई प्लांट एक पार्टिकुलर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, कोई दूसरा जो पार्ट लगा है प्लांट का वो एक दूसरे पार्टिकुलर मिनरल का उपयोग कर लिया, तो इसमें हमारा वेस्टेज कम होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके कारण एक और जब पैटर्न में हम लोग आते हैं तो इसमें जो पेस्ट और डिजीजेस जो फैलती हैं खेतों में, तो उसके फैलाव में भी ये काफी रुकावट आता है, उसके कारण ये फैलने नहीं देता है, और इंटरक्रॉपिंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। सेपरेटली लगाने से ये हो जाता है कि इसका हार्वेस्टिंग करने में काफी ईजी हो जाता है, बोथ क्रॉप का रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, एक दूसरे क्रॉप हेल्पिंग भी हो जाती है। यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर मिनरल ले रहा है, कोई दूसरा मिनरल ले रहा है, इसमें अगर पेस्टिसाइड डालना है, हर्बिसाइड डालना है, तो वो भी काफी इजीली हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग।
तो एक एक कॉलम में बना हुआ है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग का। तो मिक्स क्रॉपिंग, दिस एम टू मिक्स क्रॉपिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, मेनली क्रॉप फेलियर जहां पे सबसे ज्यादा का रिस्क रहता है वहां पे हम लोग मिक्स क्रॉपिंग का उपयोग करते हैं। इसका मेन एम रहता है कि क्रॉप फेलियर से बचाना, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग का मेन एम हो जाता है इज टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इंटरक्रॉपिंग टेक्निक का यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे क्रॉप फेलियर का रिस्क ज्यादा होता है, और जहां पे हम लोग प्रोडक्टिविटी ज्यादा लेनी है वहां पे हम लोग इंटरक्रॉपिंग का यूज करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में सीड, दोनों सीड के आपस को मिला देते हैं, उसके बाद इसके बाद फार्म में डालते हैं, बोने से पहले दोनों सीड को मिला देते हैं, दो टाइप का अगर हम लोग क्रॉप लगाना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हम लोग सीड की मिक्सिंग नहीं करते हैं, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग की अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप में वो डालना काफी टीडियस जॉब है, काफी कठिन जॉब है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर पेड़ को उसी तरह का फर्टिलाइजर चाहिए, किसी को हो सकता है उससे नुकसान हो रहा हो, या फिर किसी में एक पर्टिकुलर ही सारा फर्टिलाइजर लेके चला जाएगा, दूसरे को फर्टिलाइजर मिले नहीं, उस तरह का उसमें फर्टिलाइजर नहीं हो, तो उसमें काफी टेढ़ा मेढ़ा जॉब है ये इसमें सही फर्टिलाइजर चुन के इसमें प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो आराम से इसमें हम लोग फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोज में रहते हैं, तो किस रोज में हमको किस फर्टिलाइजर को डालना है, किस प्लांट में किस फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, तो हम लोग उस हिसाब से वैसा फर्टिलाइजर हम लोग डाल सकते हैं इंटरक्रॉपिंग वाला में। अगर हम लोग बात करें मिक्स क्रॉपिंग की, तो क्रॉप्स आर नॉट सेट इन ए प्रॉपर रो, प्रॉपर रो में ये क्रॉप सेट नहीं रहता है, और इसमें इंटरक्रॉपिंग में जैसे कि बताया मैंने कि ये प्रॉपर रोज में रहता है, तो हार्वेस्टिंग में काफी इजी हो जाता है। पेस्टिसाइड की जैसे कि फर्टिलाइजर डालना कठिन काम था, उसी तरह से पेस्टिसाइड भी डालना इसमें मिक्स क्रॉपिंग में काफी कठिन काम हो जाता है, जबकि इंटरक्रॉपिंग में पेस्टिसाइड डालना भी काफी आसान है, क्योंकि अलग अलग रोज में है, ठीक है। हार्वेस्टिंग और जो इसकी जो हार्वेस्टिंग करना होता है वो काफी टीडियस है, काफी मुश्किल से इसको आप अलग अलग कर सकते हो, करने के लिए कर सकते हो, काफी मशीनें आ चुकी हैं कि इसे आप हार्वेस्टिंग करके दोनों सीड को अलग अलग कर दो। खैर पुराने टेक्निक में, पुराने टाइम पे जो होता था इसमें हार्वेस्टिंग में अलग अलग करना काफी मुश्किल था, ठीक है, जबकि इसमें इंटरक्रॉपिंग में आप अलग अलग आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हो और दोनों का सीड को अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए वन पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट एसेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हर एक साल में बदल बदल के क्रॉप को लगाना, ठीक है, जैसे एक पार्टिकुलर टाइम पे प्लांट नंबर ए लगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया तो प्लांट बी लगा, फिर नेक्स्ट ईयर तो प्लांट सी लगा, फिर उसका प्लांट ए लगा, फिर बी लगा, फिर सी लगा, इस तरह से क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो इससे होगा ये कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई पार्टिकुलर प्लांट है वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो नाइट्रोजन को ले लिया, अगर नेक्स्ट ईयर हम वापस से उसी क्रॉप को लगाते हैं तो वो फिर से नाइट्रोजन सेम क्रॉप हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है, इस कारण आर्टिफिशियल उसमें हम लोग फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो अगली बार नेक्स्ट ईयर अगर हम ऐसा क्रॉप लगाते हैं, जैसे लेग्यूम्स लगाते हैं, इसमें अगर हम लोग दाल की खेती करते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसको दूसरे मिनरल चाहिए लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा कर देता है, तो नाइट्रोजन की जो पहले क्रॉप है वीट लगाने से जो कमी हुई थी क्रॉप ए लगाने से जो कि वीट था, तो दूसरे बार में अगर हम लोग ग्राम लगाते हैं, क्रॉप रोटेशन इसी को कहते हैं, जो दूसरी बार हम लोग ग्राम लगाते हैं तो उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर डिपोजिशन करता है। तो इसी टेक्निक को बदल बदल के क्रॉप को लगाना ही हम ये क्रॉप रोटेशन कराता है। एंड उसके बाद ये डिपेंड भी करता है क्रॉप टू क्रॉप और सीजन टू सीजन के हम लोग किस क्रॉप का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी आल्सो डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू कल्टीवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, क्रॉप कैसा है, उस हिसाब से हम ये चुनना पड़ता है इरिगेशन के हिसाब से कि कौन सा क्रॉप इसमें बेटर होगा लगाना। क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन टू एंड थ्री क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ईयर विथ ए गुड हार्वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकुलर एक ही क्रॉप को अगर हम लोग बार बार लगाएंगे तो उसमें हम लोग बार बार आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का तो मैंने नुकसान फर्टिलाइजर वाले पार्ट ने बता ही दिया कि कैसे उसका फर्टिलाइजर पे सॉइल पर नुकसान पड़ता है। तो इसी कारण से हम लोग अगर क्रॉप का रोटेशन करते हैं, बदल बदल के क्रॉप लगाते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हमें फसल भी अच्छा मिलते हैं, इसकी काफी अच्छी यील्ड होती है, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन का अगर हम लोग फिगर से बात करें तो रूट वाले प्लांट हो गए तो उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, फिर उसका पोटैटो फैमिली और पोटैटो टोमेटो वाले को एक फैमिली रखेंगे, फिर लिग्यूम्स हो गए मतलब कि जितने दालें हो गए वो सब एक कैटेगरी,
फिर बेसिलाज हो गया, जैसे कि जो सब्जियां वाले जो चीज हो गया, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, तो ये सब को हम लोग कैटेगरी रखें। तो बदल बदल के लगाना, ये नहीं कि एक बार अगर हम लोग पोटैटो लगा रहे हैं तो हर बार पोटैटो लगाते जाएंगे, तो उससे हमारा हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और सॉइल की क्वालिटी भी खराब होती चलेगी। ठीक है, ऐसा उसके बाद हमें ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाती है। इस कारण से अगर हम लोग बदल बदल के हम लोग लगाते हैं, कभी पोटैटो फैमिली से लगा दिए, फिर लेग्यूम्स लगा दिए, फिर कभी रूट वाला लगा दिए, तो सिर्फ चेंज करते रहेंगे तो काफी अच्छा हमें ईल्ड मिले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।